चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यूज का आज हमारा है जी लेक्चर नंबर 6। इसमें हमने गॉल्जी अपरेटस, लाइसोसोम्स वगैरह के बारे में पढ़ना है। गॉल्जी अपरेटस क्या होता है, ये डिस्कवर किसने किया था? ये डिस्कवर किया था जी, इटालियन फिजिशियन था कैमिलो गॉल्जी। उसने डिस्कवर किया था कि एक सेट ऑफ फ्लैटेंड जो सैक्स हैं वो हैं सेल के अंदर, सिस्टर्नी जिनको हम कहते हैं। उसने देखा कि उस सेट के अंदर जो मैनी सिस्टर्निज हैं वो एक दूसरे के ऊपर पाइल अप हुई हुई हैं स्टैक्स की फॉर्म में। तो द कंप्लीट जो उसने कहा कि जो एक कंप्लीट सेट है ना किसी भी सिस्टर्नी का, इसको हम गॉल्जी अपरेटस या फिर गॉल्जी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये जो गॉल्जी अपरेटस है या गॉल्जी कॉम्प्लेक्स है, ये प्लांट सेल्स में भी पाया जाता है और एनिमल सेल्स में भी पाया जाता है। और ये मॉडिफाई करता है मॉलिक्यूल्स को जो हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहे होते हैं, और क्या करता है कि उनकी पैकेजिंग करता है स्मॉलर मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स के अंदर, और उन सैक्स को जो मेम्ब्रेन बाउंड वो जो एक पैकेज तैयार होता है उसको हम कहते हैं जी गॉल्जी वेजिकल्स। ये सिक्रेटरी वेजिकल्स, सिस्टर्नी, ये गॉल्जी अपरेटस का एक पूरा कॉम्प्लेक्स हमें नजर आ रहा है। तो क्या करता है ये, दीज सैक्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस लोकेशन। जो सैक्स हमारे पास बनती हैं उनको डिफरेंट लोकेशंस पे सेल के अंदर भेजा जाता है सिक्रीशंस की फॉर्म में। ये जैसे सिक्रेटरी वेजिकल ही हमें नजर आ रहा है, इस फॉर्म में भेजा जाता है। और 1906 में गॉल्जी को नोबेल प्राइज दिया गया था फिजियोलॉजी और मेडिसिन के लिए। उसके बाद आती है जी लाइसोसोम्स। मिड 20th सेंचुरी में एक बेल्जियन साइंटिस्ट था क्रिश्चियन रेन डीडव, उसने डिस्कवर की थी लाइसोसोम्स। उसने कहा था कि ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस होती हैं, और जो लाइसोसोम्स हैं इनके पास स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो काम करते हैं खाने को तोड़ने फोड़ने के लिए, वेस्ट मटेरियल्स को तोड़ने फोड़ने के लिए जो सेल के अंदर मौजूद होते हैं। इसके फंक्शन के दौरान जो लाइसोसोम है ये फ्यूज कर जाता है वैक्यूल के साथ, और जिसके जो कंटेन करता है टारगेटेड मटेरियल्स को, और जो इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं मटेरियल को ब्रेकेज एंजाइम होते हैं इसमें, जो चीजों को वेस्ट मटेरियल को फूड को तोड़ने फोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये हमें लाइसोसोम्स की पहले वाली में इसमें शक्ल दिखाई है कि सेल के अंदर होता किधर है, ये लोकेशन दिखाई हुई है ऐसे करके पूरे सेल में ये बिखरे हुए होते हैं। फिर उसमें एनाटॉमी दिखाई गई है कि ये क्या क्या होता है। सबसे पहले इसकी मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होती है, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ गई, लिपिड लेयर आ गई, इसमें मैट्रिक्स है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम मिक्सचर आ गया, सेंट्रियोल्स। एनिमल्स एंड मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव हॉलो एंड सिलेंड्रिकल ऑर्गेनेल्स, उनको हम कहते हैं जी सेंट्रियोल्स। और जो सेंट्रियोल है, एक सेंट्रियोल ये बना होता है 9 triplets ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स में। 9 triplets का मतलब ये है कि तीन तीन ट्यूब्स मिलके तो वो बनाती हैं, एक फिर तीन मिलती हैं फिर एक बनाती हैं, और इस तरह तीन तीन जुड़ के 9 different वो ट्यूब्स बनाती हैं। और माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है ये मेड अप ऑफ ट्यूबुलन प्रोटीन्स। जो एनिमल सेल्स हैं इनके पास 2 सेंट्रियोल्स होते हैं लोकेटेड नियर द एक्सटीरियर सरफेस ऑफ न्यूक्लियस। जो सेंट्रियोल्स हैं कलेक्टिवली इनको हम कहते हैं सेंट्रोसोम। ये कुछ इस तरह, ये 3 इकट्ठी फिर 3 इकट्ठी और ये 3 3 करके 9 होती हैं सर्कुलर फॉर्म में। इनका फंक्शन क्या होता है कि ये हेल्प करती हैं स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन में सेल डिवीजन के दौरान। और जो कुछ सेल्स ऐसे हैं जिनमें सेंट्रियोल्स इन्वॉल्व होती हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लेजेला। उसके बाद हमारे पास आते हैं जी वैक्यूल्स। वैक्यूल जो है ये फ्लूइड फिल्ड सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है। ये वो ऑर्गेनेली है जिसके अंदर फ्लूइड फिल्ड होता है, ये सेल को टर्जिड रखने के लिए यूज किया जाता है। और ये सेल जो है मैनी वैक्यूल्स इन साइटोप्लाज्म। हाउएवर व्हेन अ प्लांट सेल्स जो मेच्योर होता है उसमें हम देखें तो वैक्यूल्स एब्जॉर्ब वाटर एंड फ्यूज टू फॉर्म अ एक सिंगल लार्ज सेंटर में वैक्यूल बनता है प्लांट सेल्स में। जो सेल इन द स्टेट बिकम्स टर्जिड होता है, और मैनी सेल्स टेक इन मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड से, जो मटेरियल अंदर जाते हैं वैक्यूल की फॉर्म में जाते हैं और फिर डाइजेस्ट होते हैं मटेरियल को एंड हेल्प करते हैं लाइसोसोम्स की हेल्प से उस मटेरियल को हम डाइजेस्ट करते हैं।
कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स को यूज करते हैं अपने वेस्ट मटेरियल की एलिमिनेशन के लिए। ये हमें एनिमल सेल और प्लांट सेल दिखाया हुआ है। एनिमल सेल में ये छोटे छोटे वैक्यूल्स नजर आ रहे हैं, एरो हमें दिखा रहा है, और जो प्लांट सेल में है उसमें एक ही बड़ा वैक्यूल नजर आता है। डिफरेंस देखेंगे प्रोक्रियोट्स में और यूक्रियोट्स में। प्रोक्रियोट्स जो है नो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, और जो यूक्रियोट्स हैं इसमें मेम्ब्रेन बाउंड जो न्यूक्लियस है वो होता है। जो सेल वॉल्स हैं ये पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती हैं। जो यूक्रियोट्स हैं उसमें सेल वॉल अगर प्रेजेंट हो तो सेलुलोज की बनी होती है, और अगर फंजाई हो तो काइटन की बनी होती है। जो नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स और यूक्रियोट्स में सारी की सारी जो ऑर्गेनेल्स हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं, और पिलाई होते हैं इनमें। प्रोक्रियोट्स में फेम्ब्राई होती हैं और फ्लेजेला होते हैं, जबकि यूक्रियोट्स में सीलिया और फ्लेजेला होते हैं फॉर मूवमेंट। म्यूसिलिजेनियस कैप्स्यूल होते हैं प्रोक्रियोट्स में, जबकि यूक्रियोट्स में कोई म्यूसिलिजेनियस कैप्स्यूल नहीं होते, और जो साइज है प्रोक्रियोट्स के वो 0.5 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर होता है, जबकि यूक्रियोट्स का सेल साइज रेंज करता है 10 टू 150 माइक्रोमीटर। सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या है? डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्लांट एंड एनिमल सेल। ये क्या करते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स इंक्लूडिंग सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड वैक्यूल। कंपेयर द फंक्शंस ऑफ अ सेल टू फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म सच एज वेस्ट रिमूवल, और रिकॉग्नाइज दैट अकॉर्डिंग टू द सेल थियरी ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड सेल कैरी ऑन सिमिलर फंक्शंस सच एज एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम फूड टू सस्टेन लाइफ। इंडिविजुअल सेल्स कंट्रीब्यूट इन द फंक्शनिंग ऑफ द होल बॉडी। क्या करते हैं? नर्व सेल कंडक्ट करते हैं नर्व इम्पल्सिस को, और दस ये क्या करते हैं जी, जिस्म की जो कोऑर्डिनेशन है उसको इंश्योर करते हैं। जो मसल सेल्स हैं ये कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जब फिनोमेना परफॉर्म करते हैं तो मूवमेंट्स बॉडी में प्रोड्यूस होती हैं। जो रेड ब्लड सेल्स हैं ये ऑक्सीजन पूरी की पूरी बॉडी में लेके जाते हैं, और सेल्स किल्स एजेंट्स एंड सो कंट्रीब्यूट इन रोल ऑफ ब्लड ट्रांसपोर्टेशन एंड डिफेंस। उसके बाद क्या करते हैं? स्किन सेल्स ऐसे हैं जो फिजिकल बैरियर के तौर पे एक्ट करते हैं फॉरेन मटेरियल्स को, और रिसेप्टर्स ऑफ टेम्परेचर हो गया जिसमें टच आ गया, पेन आ गया एटसेट्रा। जो बोन के सेल हैं ये कैल्शियम डिपॉजिट करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस में, और क्या करते हैं बोन को टफ बनाते हैं और कंट्रीब्यूट करते हैं सपोर्टिंग द रोल ऑफ बोन्स। सेल एज एन ओपन सिस्टम, सेल जो है ये काम करता है एज ओपन सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल इट टेक्स इन सब्सटेंस इन नीडेड फॉर इट्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज थ्रू इट्स सेल मेम्ब्रेन। ये परफॉर्म करता है मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को असाइन टू इट, और जो प्रोसेसेस हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं और बाय प्रोडक्ट्स ये बनते हैं मेटाबॉलिज्म के नतीजे में। सेल यूटिलाइज करता है प्रोडक्ट्स को और ट्रांसपोर्ट देम टू अदर सेल्स। द बाय प्रोडक्ट्स आर आइदर स्टोर्ड और आर एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द सेल।